ये है हमारा होटल का रूम। अगले दिन के शाम के बज गए हैं 4:30, 5 बजने वाले हैं। और सुरभि कहीं है, मैं वहाँ लेने जा रहा हूँ उसको। चलो आपको भी दिखाता हूँ। मैं बैठा हूँ गाड़ी में, आ गया हूँ मैं सुरभि को लेने, और सुरभि गई है वहाँ सामने वाली बिल्डिंग में और आकर बताएगी वो क्या रीज़न है उसका। मैं आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग। वेलकम सुरभि। ये क्या लेकर घूम रही हो, डब्बे प्लास्टिक? अरे ये व्हाट इज गोइंग ऑन, चल क्या रहा है ये? चल कौन से शहर में है हम, कहाँ हैं, क्या हो रहा है? बैक। चलो आपको दिखाती हूँ यहाँ का किचन। मैं दीपक क्या कर रहा है, क्या कर रहा हूँ? मैं चाय बना रहा हूँ। और ये क्या बन रहा है? ये वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, गार्लिक नान। देखो दीपक किचन, ये एयरबीएनबी का किचन है तो इसमें सही है सब, क्योंकि हमको अब कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ है इधर पर, सारा आइटम सब कुछ है। और है भी वो बहुत ज्यादा है सब कुछ। ये देखो सारे बर्तन है, ग्लास कप है, कॉफी मशीन है यहाँ, इवन ऑयल वॉयल सब कुछ ही है, एंड वो स्पूल मशीन है, डिश वॉशर, एंड जो फ्रिज है वो रोमन। क्या किया तुमने आज? मैंने आज मूवी तुम्हें याद किया, मूवी देखी, सोया, तुझे नाम लिया, थोड़ा वॉक करने गया। और ये एरिया कैसा लग रहा है, ये कब घुमाना है अपन को, सब लोगों को, सब को बहुत वो लग रहा होगा, कहाँ आ गए हम, क्या कर रहे हैं यहाँ। एक्सक्यूज मी, मेरी चाय निकलने वाली है। एक तो क्या हुआ ना, ये गैस बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटेड है, सब ये टच स्क्रीन से हो रहे हैं, तो हमें जब वो नहीं पड़ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहे कि क्या करना है यहाँ। देखो ये कितने प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है, देखो ये कितने, ओ ये जल रहे हैं, ये ले लो। प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहता चाय फैल जाए। हाँ राइट, बहुत ही बुरा। तो हम ये कर लेते हैं गाइस, एक मिनट, नहीं तो ये सब जल जाएगा। यहाँ पे तो बस एक चीज का वो है कि इमीडिएटली क्लीन करना पड़ता है सब। हाँ घर पे तो जैसा है वैसा रख दो है, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत क्लीन। हाँ मतलब जब भी खाना वाना खा के, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम आते हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं किचन साफ।
गाइस देखो कहाँ है, आप लोग मुझे कमेंट कर करके मैं पागल हो गई हूँ सुन सुन के, आप लोग भी पागल हो गए हो कर करके कि कहाँ हो कहाँ हो। तो ये देखो पीछे, अब आपको लग तो रहा होगा कि शायद मैं कहीं दूर आ गई हूँ घूमने के लिए, तो नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत अपने किसी काम के लिए आए हैं और लग रहा है टूरिस्ट प्लेस है फॉर श्योर, हमें भी ऐसे ही लग रहा है, बट कुछ ही डिस्टेंस पे आए ना, ज़्यादा दूर नहीं है पर तो पास में है, पर डिफरेंट जगह है, डिफरेंट सिटी है, नाम है कुछ बताएंगे धीरे धीरे। और इधर क्या है सुरभि? बर्गर किंग। बर्गर किंग है और बहुत ही अच्छा है, मतलब शोबिश घुमन तो अच्छा था ही आपको पता है, पर शोबिश घुमन से भी अच्छा ही एक्चुअली। तो अभी एक आध दिन अभी आते हैं और ड्रोन शॉट्स लेके आपको इस एरिया को एक्सप्लोर कराएंगे, राइट? हम लोग ये कर रहे हैं अभी, तो हम अपार्टमेंट जो है उसको चूज कर रहे हैं। तो अब आपको जगह तो पता चली गई है कि वी आर शिफ्टिंग टू मेटजिंगन, क्योंकि अभी हम इतना बोल रहे हैं और नियर बाय, पर हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम मेटजिंगन शिफ्ट हो जाएं। मेटजिंगन के वीडियोस मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ और मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस में से एक है, और उसके आसपास का एरिया यार एक्चुअली बहुत बढ़िया लगा मुझे, आज मैंने एक्सप्लोर किया, आपको बताएंगे आप जैसे ही नया देखने को मिलेगा वहाँ। हाँ, और मतलब बहुत पहाड़ी एरिया है, बहुत सुंदर एरिया है, तो अभी आपको वो एक्सप्लोर करके तो दिखाएंगे। पर अभी हमारा जो कंसर्न है या हम जो टेंशन में है वो है घर, बिकॉज घर मिलना ऑफ कोर्स मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ इट्स नॉट इजी हियर, प्लस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अब देखो आप अच्छे घर जो हैं वो हज़ार हज़ार यूरो के मिल रहे हैं, उससे कम के नहीं मिल रहे हैं, तो दैट्स द थिंग। तो ठीक है, अभी तो मैं हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपको बता दिया, लेकिन जब एक्चुअल देखने जाएंगे तब भी आपको। मैं देख कर आया आज, लेकिन उस घर में ऑलरेडी कुछ लोग रह रहे हैं इसलिए मैं शूट नहीं कर सकता था। कोई नहीं, मैं इसका तो, वो डाल दूंगी। हाँ, जो वीडियो अभी नेक्स्ट टाइम अगर वो उनमें से कुछ भी फाइनल किया तो आपको प्रॉपर अच्छे से दिखाएंगे। चलो गाइज, अब हम लोगों का कॉफी पीने का टाइम हो गया और हम लोग थोड़ा वॉक करने जा रहे हैं, फिर आपको आगे के अपडेट देते हैं। और आपको मजा आ रहा है या नहीं वो जरूर बताना, इट्स लाइक कि हम जो एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं वो सेम हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सो या मेटजिंगन इज द सिटी जो आप सब लोग बहुत बहुत इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हो कहाँ हो, आप सब ने मुझे बोला स्पेन, किसी ने एम्स्टर्डम, किसी ने इंडिया, और यहाँ घूमने नहीं आए हम, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, हम शिफ्ट हो रहे हैं अभी, हम ये एयरबीएनबी में हैं अभी कितने 3-4 दिन हो गए दीपक। जो लोग जर्मनी में रह रहे होंगे उन्हें पता ही होगा, और फिर बस अल्टीमेटली एक आध महीने में हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो शोबिश घुमंड ऐतिहासिक जगह को हम छोड़ रहे हैं। इंद्रजीत याद है आपको? अगर नहीं याद तो वो वीडियो देखना, इधर कहीं होगा वो वाला, वो भी बोल रहा है कि हम कहीं भी शिफ्ट हो जाए लेकिन हम शोबिश घुमन जरूर जाएंगे घूमने, क्योंकि उसके लिए बहुत लकी है शोबिश घुमन, एक्चुअली स्टोरी वो ही बताएगा। हाँ, एक्चुअली सबके लिए। तो अगर हमारा जो पहले वाला शहर है, मतलब अभी तो है कुछ टाइम के लिए, बट वो जो शहर है वो जरूर देख लेना, ऊपर मैं लिंक छोड़ देती हूँ। और अब हम जाते हैं कॉफी पीने और आगे मिलते हैं आपको। अभी हम कहाँ हैं? लिटिल, तो वैसे आपको इंस्टाग्राम पे पता चल ही गया होगा, ये देखो पीछे ऊटी वाला फील आ रहा है ना दीपक। हाँ यार, सच में ऐसा लग रहा है, धुंध छाई हुई है, ट्रैवल प्लेस पे ही आए, देखो पीछे, वाओ ब्यूटीफुल प्लेस। एंड मास्क इज इम्पोर्टेंट हियर, इसलिए हम लोग बैठ लगा के खड़े हैं, मैंडेटरी। हाँ, वही इम्पोर्टेंट, विश्तिक इम्पोर्टेंट मैंडेटरी। And bus knock. दीपक कुछ घुमाने ले चल प्लीज। कहाँ ले चलूँ बता जाके। कोई अच्छी सी जा।
तू बता मुझे कहाँ जाना है। वो वाले चलो तो पैदल चलते हैं ट्रैक करते हुए। चल थोड़ा घूम के एक्सप्लोर करते हैं। चलो चलते हैं। दीपक मान गया, मान नहीं रहा था अभी तक, कैमरे में मान गया। द पावर ऑफ कैमरा। चल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अभी हम लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीरीज में बतानी है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको नाम रिवील किया है, तो इस वीडियो मतलब ये जो सीरीज़ है वो देखते रहो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।